हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, यकीन मानिए वो देश रहस्यों से भरा है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक इसी देश में है दोस्तों, और इसके साथ साथ यहाँ के ऐसे कई रहस्य हैं जिस पर से अभी तक वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं हटा पाए हैं, लेकिन आज हम आपको इस बारे में सारी जानकारी देंगे। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस देश के बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं रहस्यों से भरे हुए देश जिसका नाम है जॉर्डन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, जॉर्डन जिसे आधिकारिक तौर पर हैस्माइन किंगडम ऑफ जॉर्डन कहा जाता है, ये दक्षिण पश्चिम एशिया में अकाबा खाड़ी के दक्षिण में है। सीरियाई मरुस्थल के दक्षिण भाग में स्थित एक अरब देश है। इसके उत्तर में सीरिया, उत्तर पूर्व में इराक, पश्चिम में इजराइल और पूर्व और दक्षिण में सऊदी अरब जैसे देश है। यानी 3 तरफ से तो ये काफी खतरनाक देशों से घिरा हुआ है। दोस्तों, वैसे तो ये देश कुल 89,341 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। दोस्तों, आज हम आपको इस देश के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आप पहले से नहीं जानते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ की खूबसूरत जगहों की सैर भी कराएंगे। और हाँ दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि वो कौन सी नेगेटिव बातें हैं जो इस देश को काफी परेशान करती हैं, और यहाँ आकर आपको उन बातों का ख्याल रखना होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले सबसे खास बात, जॉर्डन में दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक पेंट्रा मौजूद है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में आता है। दरअसल पेंट्रा एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है जो करीब 300 ईसा पूर्व में नाबाटन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। जॉर्डन में फिलहाल किंग अब्दुल्ला द्वितीय का शासन है। दोस्तों, इस नायाब अजूबे के बारे में आगे हम आपको थोड़े अच्छे से बताएंगे। चलिए अब कुछ और जानकारियाँ आपको दे देते हैं। दोस्तों, जबल उम अदमी जॉर्डन का सबसे ऊँचा पर्वत है जिसकी ऊँचाई 1854 मीटर है। इस देश की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है जो 251 किलोमीटर लंबी है, जबकि यहाँ की सबसे बड़ी झील सी ऑफ गैलीली है जो 166 वर्ग किलोमीटर में फैली है। दोस्तों, जॉर्डन के रेगिस्तान में कुछ रहस्यमय और विशाल आकृतियां बनी हुई हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये रहस्यों से भरा हुआ देश है। सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब तक ये फैली हुई है। दोस्तों, इन रहस्यमय आकृतियों को अजरक ओएसिस व्हील कहा जाता है। माना जाता है कि इन आकृतियों को करीब 8,500 साल पहले बनाया गया होगा। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। इन्हें क्यों बनाया गया, ये किस काम आती थी, ये क्या कहना चाहती है, इस बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, जिसके लिए वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। लेकिन अफसोस, वैज्ञानिक अभी इसके बारे में पता नहीं कर पाए हैं। जब भी आप इस देश में जाएंगे तो खुद सोचने की, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। दोस्तों, इस देश का इतिहास बहुत ही खास है। इतना पुराना है कि इसका जिक्र बाइबल में भी है। सोचिए, बाइबल कब की है। ये एक ऐतिहासिक देश है दोस्तों। इस देश में लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। उनको तरह तरह के पकवान बनाना, खाना खाना और खाना खिलाना सब कुछ पसंद है। जॉर्डन देश की राजधानी अम्मान है। इस देश में कुल 40% लोग रहते हैं। इस देश के भारत की तरह जॉर्डन में भी लोग खाने के शौकीन है। यहाँ बाकी अरब देशों के मुकाबले ज्यादा खाना पकाने का शौक रखते हैं। यहाँ के लोग ग्रीन टी भी पीते हैं, काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, एक समय तो ऐसा था जब जॉर्डन में सभी लोग ईसाई हुआ करते थे, लेकिन जब मुस्लिम धर्म पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगा, तब यहाँ के सारे ईसाइयों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। तब से ये एक इस्लामिक देश की श्रेणी में आ गया। 91% यहाँ सुन्नी मुसलमान है, 8% ईसाई है और 1% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, तो इसलिए मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अरब के बहुत से ऐसे देश हैं जो असुरक्षित हैं, जो महिलाओं को भी बहुत ज्यादा अधिकार नहीं देते। इसके साथ साथ मानव अधिकार के मामले में भी ये देश काफी पीछे है। दोस्तों, जॉर्डन अरब का एक ऐसा देश है जो इराक और सीरिया से आए हुए ईसाई लोगों को रहने की इजाजत देता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पहले ईसाई तो थे जो कि बाद में मुस्लिम बन गए। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। खूबसूरती के मामले में, इतिहास के मामले में इस देश का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो चलिए आपको यहाँ की खूबसूरत जगहों की सैर कराते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे दुनिया के 7 अजूबों में से एक पेंट्रा के बारे में, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ये है पेट्रा। पेट्रा पुराने समय में निर्मित जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो अपने जीर्णोद्धार और सामने की चट्टान में तराशे जाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के झंडे के लाल रंग की वजह से पेट्रा को रोज सिटी कहा जाता है। आपको बता दें कि पेट्रा वर्ल्ड के नए 7 अजूबों में से एक है। इसके साथ ही ये जॉर्डन का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। पेट्रा एक बहुत ही खास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। पेट्रा को दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। पेट्रा को 312 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। इसके बाद ये रोमन शासन के अधीन था। पेट्रा में अगर आप रात के समय एक्सप्लोर करते हैं तो इसका एक्सपीरियंस ही अलग होगा। ट्रेजरी से टहलना काफी खास होता है, इसीलिए तो मैंने कहा कि यहाँ पर आप पैदल चलकर घूम फिर कर अपने दिन को खास बना सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप यहाँ जान सकते हैं, इसके इतिहास को नजदीक से देख सकते हैं। तो कब जा रहे हैं पेट्रा, हमें बताइएगा। दोस्तों, ये है वादी रम। दक्षिण जॉर्डन में आपको लुभावनी वादी रम देखना बहुत ही खास लगेगा। यहाँ पर आपको रेगिस्तान का जंगल मिलेगा। आप पूरे वादी रम क्षेत्र में प्राचीन सभ्यताओं और शिलालेखों के निशान, चित्रलेखों से लेकर थमोदिक, नबातियन और अरबी ग्रंथों तक देख सकते हैं। दोस्तों, ये है डेड सी यानी कि मृत सागर। इजराइल और जॉर्डन के बीच की सीमा पर यह फैला हुआ है। मृत सागर पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला स्थान है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। मृत सागर नमक और खनिजों की अत्यधिक उच्च सामग्री के कारण जीवन से रहित है, जिसके जल को इतने प्रसिद्ध और शक्तिशाली बनाता है। मृत सागर को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक बार देखना चाहिए, क्योंकि नमक की मात्रा अधिकांश महासागरों की तुलना में 4 गुना अधिक है। यहाँ आप बिना कोशिश किए ही मृत सागर में तैर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेड सी मड आपके प्राकृतिक उपचारों के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है और हाल ही में ये एक मनोरंजन और ब्यूटी स्पा हॉटस्पॉट भी बन गया है। दोस्तों, ये है अम्मान, जॉर्डन की हलचल भरी और जीवंत राजधानी और दुनिया के सबसे पुराने लगातार चलने वाले शहर के रूप में यह जाना जाता है। अम्मान पुराने और नए का एक अनूठा मिक्सचर है। अम्मान में वर्षों में कई नाम परिवर्तन हुए और इसे ग्रीको रोमन और बिजांटिन समय के दौरान फिलाडेल्फिया के रूप में जाना जाता था। ये मध्य पूर्व के सबसे दिलचस्प शहरों में से एक है और जॉर्डन में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह। यहाँ पर आप खंडरों के साथ साथ हिप रेस्टो, कैफेज और प्रभावशाली कला दीर्घाएं देख सकते हैं। अम्मान में कुछ लोकप्रिय जॉर्डन पर्यटक स्थल भी हैं। दोस्तों, ये है अकाबा, जॉर्डन का एकमात्र तटीय शहर। सुरम्य अकाबा देश के यात्रा करने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। अकाबा जॉर्डन का प्रमुख पर्यटन स्थल है और एकमात्र बंदरगाह भी, जिसका लाल सागर तट, आकर्षक इतिहास और प्रमुख स्थान हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए दोस्तों, हमारी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे देश हैं जिनके बारे में आपको बताना है। मिलते हैं आपसे कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।